भाइयों बहनों, आजाद हिंदुस्तान के अंदर 60-65 साल की यात्रा इस देश ने कभी भी इतने बड़े भ्रष्टाचार के कांड को न सुना था न देखा था। 1,76,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के गरीब आदमी के पैसे, जिन पैसों से गांव में सड़क बनती थी, किसान को पानी मिल सकता था, गरीब बेटी को पढ़ाई का अवसर मिल सकता था, बीमार बाप को दवाई मिल सकती थी, वो सारे पैसे मुट्ठी भर लोगों की जेब में चले गए। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो आशंकाएं थी, जो आरोप थे, उन्होंने सत्य करार कर दिया। केंद्र के मंत्री श्रीमान चिदंबरम, उन पर आरोप बढ़ने का आदेश हो गया। नीचे कोर्ट में जाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5-6 घंटे बीत चुके हैं और कांग्रेस पार्टी चिदंबरम जी को बचाने के लिए मैदान में आई है। और तब जाकर के मन में शक होता है कि पूरी सरकार मनमोहन सिंह जी की ये सब कोशिश चिदंबरम जी को बचाने के लिए नहीं कर रही है। चिदंबरम के पीछे जो लोग हैं, जिसके नाम उभर करके नहीं आ रहे, उनको बचाने के लिए सारा दिल्ली में खेल हो रहा है। वो कौन लोग हैं जिनके पास ये पैसे पहुंचे हैं? पहुंचाने वालों को बचाने की कोशिश इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं जहां पहुंचे हैं वो गिरफ्त में ना आ जाए, और इसलिए उनको बचाने के लिए कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और हिंदुस्तान भर में दिन रात विरोधियों को खत्म करने के लिए दांव पेश करने वाले कांग्रेस के एक एक व्यक्ति से आज हिंदुस्तान जवाब मांग रहा है। आपको एक मिनट भी दिल्ली के तख्त पर बैठने का अधिकार नहीं है। शासन को और न्यायपालिका को न्याय करने दीजिए। अब आपके लिए बचना मुश्किल हो गया है। यह देश इसको सहन नहीं करेगा। भाइयों बहनों, मैं झूठे आरोपबाजी के चक्कर में पड़ने वाला इंसान नहीं हूं, न इस प्रकार से मैं किसी पर कोई भी प्रकार का आरोप लगाने की मेरी आदत नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट में आज बात साफ हो गई, सारे पुराने सौदे जितने हुए थे उन सबको उन्होंने कैंसिल कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अब इसके बाद एक मिनट भी रहने का आपको हक नहीं बनता है। भाई बहनों को जरूरी हो नहीं, जरा खोखा रिंग बोलर में खबर पड़े, जब जो ये दिल्ली की गाड़ी छोड़नी चाहिए। आप विचार करो मित्रों, तुम हमारा उत्तर भारत के अंदर चूंटनी डाले से टीवी पर जोता हो। कांग्रेस ना एक नेता ने हमारा टीवी वाला बहुत बतावे,